सबसे मेन और लास्ट पॉइंट है मेरा जो कंटेंट लिखना है। कंटेंट 99% 99% जो भी बोलो, मैं भी पहले कॉपी कॉपी पेस्ट कर लेता था, कॉपी पेस्ट का थोड़ा घुमा फिरा के लिख देता था, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं बनता है। आपको यूनिक कंटेंट कैसे लिखना है, सबसे मेन बात। आप उड़िया हो, बंगाली हो, मराठी हो, और उर्दू की लैंग्वेज से हो, उसको मतलब नहीं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कंटेंट को भी। मैंने ऐसे बता देता हूँ आपको, गूगल एक एक्सटेंशन में एक ग्रामर लिख के, तो आप अगर नए हो तो नहीं पता है, एक ग्रामर लिख एक्सटेंशन ऐड करना है। एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे बढ़िया यूट्यूब वीडियो है, तो आप कर सकते हो इसमें, वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको आना है या गूगल ट्रांसलेटर है, ये ऑन करना है। अच्छा, अभी मैं मान के चलो कोई भी एक चैप्टर उठाता हूँ, जैसे हाउ टू नवरात्रि फेस्टिवल्स, द सेलिब्रेट नवरात्रि फेस्टिवल्स, इसमें कोई भी आ गया, ये आ गया, एक मिनट खोल लेता हूँ, ये आ गया नवरात्रि के बारे में। तो भाई साहब ने लिखा, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आप नया हो, कोई भी लैंग्वेज से आप क्लियर समझ, तो अपनी भाषा में कैसे लिखना है। अब इसको इंग्लिश में लिखना है लेकिन अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है। इसको क्या करना है, आपको यहाँ से ये अपना था ही करता है, ये कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इंग्लिश, जैसे मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में इंग्लिश को मैं बंगाली में ट्रांसफर कर लेता हूँ, आप भी किसी लैंग्वेज से होगा तो इसको पढ़ लो। ये पढ़ लिया, और भी एक दो वेबसाइट से गया, उसमें पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इस चीज को पढ़ लो घर से, और कोई कॉपी में नोट कर लो या पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद आप इसमें क्या करो, आप इसमें जैसे मेरा लैंग्वेज है बंगाली आया, अभी इसमें मैं बंगाली में लिखता हूँ, ठीक है। मेरा नाम संजय, तो मैंने लिख दिया। अभी अपना लैंग्वेज में इसमें लिखना है, पॉइंट लिखना है, और सबसे बड़े बस नाम, जैसे नाम मैंने लिखा, नाम मैंने लिखा, तो इसमें इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। और इसमें ग्रामर भी कैसे ठीक करोगे, आपको ग्रामर नहीं आता है तो इसमें इंग्लिश में डालना है, और इसको या पेस्ट करना है। और देखो यह ग्रामर कैसे ठीक होता है, जैसे यह नेम की जगह मैं ये डाल देता हूँ, ये देखो एक ग्रामर लिए, इसमें एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, ग्रामर लिए इसको ठीक कर देगा। तो कितने भी बड़ा लिखो ग्रामर लिए ठीक कर देगा, बहुत तगड़ा चीजें है, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही कर लिखता हूँ, मेरा प्रोसेस है, कोई यूनिक आप लिख लो, पढ़ लो, जान लो, फिर अपना लैंग्वेज में लिखो, बंगाली में, उड़िया में लिखने जा रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेट को फिर कॉपी पेस्ट कर लो, फिर इसमें सारे ग्रामर ठीक हो जाएगा, फिर आप यूनिक कंटेंट लिख पाओगे। तो यूनिक लिखना है, यूनिक तो मतलब किसी का कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना, कॉपी पेस्ट कर लो लेकिन उसको आप पहले पढ़ लो, जान लो उसके बारे में, तो जानोगे तो सही लिख पाओगे। और गूगल ऐसा चीज है, आप कॉपी राइट डालोगे तो कभी भी रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसे यूनिक कंटेंट लिखा जाता है। तो ये मेरा था, अभी बहुत लोग बहुत थ्योरी बताते हैं लेकिन मैं तो यही बता रहा हूँ कि सबको इंग्लिश नहीं आता, सबको हिंदी लिखना ठीक से नहीं आता, कोई भी लैंग्वेज से हो तो अपना जो मदर टंग है उसमें लिखो, और ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। और ग्रामर लिखो, उसके लिए ग्रामर चेंज कर सकते हैं, आज लिखना है यूनिक कंटेंट कैसे लिखना है, ठीक है।